हाय व्यूअर्स, तो आज हमारे चैनल पर आप देखेंगे इंस्टेंट एक ऐसा फेस पैक जो आपको बहुत ही जल्द फ़ायदे देगा। तो पहले आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट हम हमारे हाथ पर रोज़ वाटर अच्छे से अप्लाई करना है और इसे थोड़ा सा मसाज करना है हल्का। आज की जो हमारी वीडियो है वो है टैन रिमूव करेगी और आपके फेस पर जो झेलिया है, जैसे ज़्यादा एज वालों को आना स्टार्ट हो जाते हैं, रिंकल्स के टाइप आते हैं, तो वो सारे दूर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक केला लेना है, आप आधा केला लीजिएगा। यहाँ पर मैंने केले को अच्छे से मैश करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा माउस का टुकड़ा ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसे मैश करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने इसी टिप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक टिप पसंद आई है तो आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टिप्स को जो मैं बता रही हूँ उसे आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, 2 से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। 40 की उम्र के बाद आपके स्किन पर झिल्लियाँ नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो टिप है आज की उसी के बारे में है। आपकी जो स्किन है वो 40 साल के बाद थोड़ी सी ढीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो ये उसी के बारे में है। अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी स्किन टाइटन हो जाएगी और पहले से ज़्यादा जवान के तरह नज़र आएगी। देखिए, यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से मैश कर लिया है, इसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मैश करना है। आप इसे रिंकल्स की तरफ भी लगा सकते हैं, पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो बनाना था वो अच्छे से मैश हो चुका था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट हमने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये घुल ना जाए। इसे एक टेबल की स्पून से अच्छे से बीट करना है, इसे बीट करते जाना है इस तरह से। इस क्रीम में आपको ईस्ट के दाने नज़र नहीं आना चाहिए, सारे मेल्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा इसे बीट करने में, लेकिन आप इसे अच्छे से बीट करते जाएंगे आसानी से हो जाएगा। मिनिमम इसे 5 मिनट्स तक बीट करना है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ईस्ट जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसे थोड़ा सा और बीट कर लेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर ये स्क्रीन में चिकनाई आना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा स्टिकी टाइप लग रहा है। हमें ऐसा ही पेस्ट बनाना है। जब तक आप ये स्टिकी पर नहीं आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्रीम को और बीट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून दही। दही को हमने इसमें ऐड किया है और अब इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ये क्रीम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा, टैन भी रिमूव होगा और आपकी स्किन जो है वो टाइटन भी हो जाएगी। हम यहाँ पर आपको इस क्रीम का लाइव डेमो भी देने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपके स्किन को बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप डेमो में देख सकते हैं यह आपके स्किन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उल्टा आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है या फिर पिंपल्स है या फिर आपके फेस पे किसी चीज़ से जल गया है तो प्लीज़ आप इसे मत ट्राई कीजिएगा। अगर स्किन थोड़ी सी कट भी गई है तो आप इसे मत ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल को हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उसे एक के बाद एक करना ज़रूरी है।
और इसे हफ्ते में दो बार ट्राई कीजिएगा। और इसे लगाकर सिर्फ आपको नॉर्मल पानी से मुंह धोना है, उसके बाद आपको सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। दो घंटे तक आपको फेस वॉश या फिर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से आपको मुंह धोना है। तो चलिए, हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है, अब इसे डेमोक पर बताएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हाथ पर कितना टैन है, और यहाँ पर अभी हम सिर्फ टैन का रिजल्ट बताएंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही रोज़ वाटर से थोड़ा सा मसाज कर लिया था, और अब इसे हम अप्लाई करेंगे। हल्का सा मसाज करना है, मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है और हर तरफ लगाना है इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर हो चुका है स्किन, और इसके अंदर से सारा टैन निकल चुका है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने हाथ को वॉश कर लिया है और इसे अच्छे से सूखे क्लॉथ से साफ़ कर लिया था। देखिए, यहाँ पर पहले का रिज़ल्ट जो था, हाथ में बहुत टैन था, और बाद में जो उसका रिज़ल्ट